हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया है आहूजा का एक शानदार डीजे सेटअप, जिस पर हमने दो बेस, चार टॉप और जो है अपने बेस को चलाने के लिए रिकमेंडेड एम्पलीफायर और अपने टॉप को चलाने के लिए रिकमेंडेड एम्पलीफायर और आहूजा कंपनी के मिक्सर, क्रॉसओवर और जो है अपने इस सारे डीजे सिस्टम को एक अच्छी लाइटिंग, अपनी लाइट व्यवस्था देने के लिए 8 पीस सारपी लाइट और 8 पीस अपनी पार लाइट सेलेक्ट किया है। और सारे सिस्टम को जो है स्टेबलाइज पावर देने के लिए यहाँ पर हमने कुछ स्टेबलाइजर सेलेक्ट किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और जो है अपने सारे डीजे सेटअप को चलाने के लिए एक 20 KVA का जनरेटर सेट लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल दूंगा कि अपना बेस कितने वाट का होने वाला है और अपना टॉप कितने वाट का होने वाला है और इन सारे इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो हमारे एम्पलीफायर यूज किए जाएंगे वो कितने वाट के होने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको इन सारे इक्विपमेंट का प्राइस भी बताऊंगा कि हमारा बेस कितने का होगा, टॉप कितने का होगा और हमारे एम्पलीफायर कितने कितने के आएंगे और मिक्सर, क्रॉसओवर, इन सारे सिस्टम का प्राइस कितना होने वाला है, लाइट का प्राइस कितने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको इन सारे इक्विपमेंट को जोड़ करके, यानी हमारा पूरा डीजे सेटअप जिसमें हमारे जनरेटर, लाइट और सारे साउंड इक्विपमेंट आते हैं, पूरा डीजे सेटअप कितने में आने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आहूजा हमारे देश भारत की कंपनी है और पूरी दुनिया में बेहतरीन साउंड प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हमारे साउंड बाजार में जो है बहुत सारी कंपनियां प्रवेश कर चुकी हैं, जो कि हमारे कुछ देसी हैं और कुछ विदेशी हैं। तो ऐसे में आहूजा और भी अच्छी क्वालिटी के साउंड प्रोडक्ट को मार्केट में उतार रहा है। उन्हीं प्रोडक्टों में से मैंने यहाँ पर कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, जो कि इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एक बेहतरीन सा डीजे सेटअप आप यहाँ पर वीडियो को देखकर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा धमाल मचाने वाला होगा। आप इसे डीजे या फिर लाइव प्रोग्राम पर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पवन अरुद्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर डीजे सपोर्ट पर। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने बेस से। बेस जो हमारा आहूजा की तरफ से SWX2600 मॉडल आता है, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारा 26 वाट RMS पावर का एक बेस होने वाला है। इस पर दो स्पीकर लगाए गए हैं 1300 वाट के। इसे अगर हम पीक पावर पर चलाते हैं तो लगभग हमें 5200 वाट का ये आउटपुट देगा पीक पावर पर। दोस्तों, बेस का ये जो मॉडल है इस समय का सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल मॉडल है। इसे आप डीजे या फिर लाइव प्रोग्राम पर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पंच, वाइब्रेशन और साउंड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलेगा। बात करें इस अपने बेस के प्राइस की, तो लगभग आपको ये 55 से 60 हज़ार रुपये के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अलग अलग स्थानों पर इसका प्राइस अलग अलग हो सकता है और जो है समय के बढ़ते इसके प्राइस में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 1000-2000 रुपये कहीं पर महंगा, कहीं पर सस्ता आपको ये देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, साथ में हम बात कर लेते हैं कि हमारे इन बेस को चलाने के लिए, जो कि हमारे 26 वाट के डुअल बेस हैं, इन दोनों बेस को चलाने के लिए बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा रहेगा आहूजा की तरफ से। दोस्तों, जो आपको आहूजा में एलेक्सा सीरीज का 7600 वाट, यानी हमारा एलेक्सा 7600 वाट एम्पलीफायर जो आपको मिलता है, वो इन दोनों बेस को चलाने के लिए बेस्ट रहेगा। उस एम्पलीफायर आपको जो है 4 ओम पर जो है 2600 वाट का आउटपुट देखने को मिलता है, जो कि हमारे बेस के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। तो आप इन दोनों बेस को चलाने के लिए हमारे इस एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा और आपको जो है इसमें कभी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आहूजा कंपनी इस एम्पलीफायर को, इन बेस को चलाने के लिए ही रिकमेंड करती है। अब बात करते हैं अपने इस एम्पलीफायर के प्राइस की। दोस्तों, अगर इस एम्पलीफायर को मार्केट में देखा जाए तो लगभग आपको ये 65,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हर एक जगह पर थोड़ा बड़ा अंतर आपको इसमें देखने को मिल सकता है और समय के बढ़ते जिसमें इसमें बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने टॉप की। दोस्तों, टॉप की बात करें तो जो हमारा आहूजा की तरफ से SPX1210 मॉडल आता है, उसको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, जो कि डीजे या फिर लाइव प्रोग्राम के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह एक टू वे हमारा टॉप है, जिसमें हमारे 500-500 वाट के 2 15 इंच स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है और एक हमारा 100 वाट का HF का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमारा टॉप है और इस समय मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें आपको बहुत ही अच्छे कमेंट्स देखने को मिलेंगे अगर आप कहीं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप इसे अपने साउंड सिस्टम पर अगर लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का पंच देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा लॉन्ग थ्रो इसमें देखने को मिलता है। तो आप डीजे या फिर लाइव प्रोग्राम कहीं पर भी आप इस टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इस टॉप के प्राइस की, तो लगभग आपको ये मार्केट में जो है 38 से 40 हज़ार के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा एक टॉप। तो आपको मार्केट में थोड़ा बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है 1000-2000 रुपए का, जैसा कि हर एक प्रोडक्ट में मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा बड़ा अंतर आपको अलग अलग स्थान पर देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इन टॉप को चलाने के लिए बेस्ट एम्पलीफायर की, जो कि हमारे आहूजा की तरफ से हो, तो आपको जो आहूजा का DXA 3502 मॉडल आता है, आपको उसके 2 पीस एम्पलीफायर लेने होंगे।
आपको मैं दो एम्पलीफायर लेने के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम दो एम्पलीफायर लेंगे तो आपको चारों टॉप को एक एक चैनल में चलाने का ऑप्शन मिल जाएगा, और जो है जब हम एक टॉप को एक चैनल पर चलाएंगे तो आपको जो है एम्पलीफायर में 4 ओम का पावर मिलेगा, और 4 ओम पर आपको पता है बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको साउंड पंच वाइब्रेशन देखने को मिलता है जो कि हमारे स्पीकर के लिए सेफ रहता है। अगर हम यहीं पर एक ही एम्पलीफायर में थोड़ा बड़े साइज का एम्पलीफायर लेकर चारों टॉप एक में चलाएंगे तो आपको जो है उसमें 2 ओम पर चलाना पड़ेगा, तो 2 ओम पर आपको पता है बहुत ज़्यादा क्लिप आता है और काफ़ी ज़्यादा आपको एम्पलीफायर में लोड भी देखने को मिलता है, और इस दौरान आपके स्पीकर में बहुत ज़्यादा खराबी देखने को मिलती है। अगर कहीं पर जो है हमारा प्रोग्राम लगा है उस दौरान एम्पलीफायर में कमी आ जाए तो आपका अगर एक एम्पलीफायर लगा है तो आपका जो है पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, बेस से उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिल पाता है कि आप अपना काम चला लें। अगर आप यहाँ पर 2 एम्पलीफायर टॉप के लिए यूज करते हैं, अगर किसी कारण से अपना एक एम्पलीफायर खराब हो गया तो दूसरा एम्पलीफायर जो है हमारा अपना काम चला देगा, आपका काम नहीं रुकने पाएगा। तो आपको कहीं भी एक एम्पलीफायर टॉप में नहीं लगाना है, आपको जो है 2 एम्पलीफायर ही लगाने हैं। अगर बात की जाए अपने 3502 एम्पलीफायर के प्राइस की तो मार्केट में आपको लगभग 38,000 से 40,000 के बीच में आपको एक एम्पलीफायर देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने सभी प्रोडक्ट में बताया है कि अलग अलग स्थानों पर इसमें रेट का अंतर देखने को मिल सकता है, 1,000-2,000 रुपये महंगा या सस्ता भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अपने इस साउंड सिस्टम या फिर डीजे सिस्टम को चलाने के लिए बेस्ट मिक्सर कौन सा रहेगा। दोस्तों अगर हम बेस्ट मिक्सर की बात करें तो आहूजा की तरफ से जो हमारा ADJ 300 मिक्सर आता है जो स्पेशली डीजे के लिए बनाया गया है। अगर आप डीजे के पर्पस से मिक्सर लेना चाहते हैं, केवल डीजे का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको जो है ADJ 300 ले लेना है। बात करें उस मिक्सर के प्राइस की तो लगभग आपको वो मार्केट में 8,000 से 10,000 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आप यही साउंड सिस्टम को डीजे या फिर लाइव प्रोग्राम दोनों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जो है आहूजा का नया लॉन्च आपको देखने को मिलेगा। आहूजा का प्रो मिक्स 1442 मॉडल एक आता है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा उसमें लाइव या फिर डीजे दोनों में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वो मिक्सर आपका 4-way अपना इक्वलाइजर सिस्टम पर आता है और आपको काफ़ी सारे उसमें डिजिटल इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। मार्केट में अगर उसके प्राइस की बात करें प्रो मिक्स 1442 के तो लगभग आपको वो 21,000 से 25,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। ये बीच में इतना टॉल मैं इसलिए बता रहा हूँ रेट का डिफरेंट क्योंकि हर एक स्थानों पर जो है अलग अलग रेट हो सकता है, यानी 21,000 से लेके आपको 25,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने सारे साउंड सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल और फिल्टर सिग्नल देने के लिए क्रॉसओवर और डिस्ट्रीब्यूटर की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटर की। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप अपने साउंड सिस्टम पर जैक केबल का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा 6.5 mm जैक आता है, अगर कपलिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है DA80 मॉडल जो आता है अपने स्प्लिटर का आपको उसको लेना है जो कि हमारे आहूजा की तरफ से ही है। अगर आप साउंड सिस्टम को अपने XLR केबल से चलाते हैं तो आपको जो वहाँ पर DA88 यानी DA88 मॉडल आता है आपको उसका इस्तेमाल करना है। अगर बात करें अपने क्रॉसओवर की तो आपको अगर आहूजा का क्रॉसओवर लेना है तो आपको आहूजा की तरफ से सिर्फ एक क्रॉसओवर आता है जिसका मॉडल नंबर है ACX202, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यह एक 2-way क्रॉसओवर है। अगर इन दोनों की बात करें हमारा स्प्लिटर और हमारा क्रॉसओवर को मिलाकर के लगभग प्राइस कितना होगा तो लगभग आपको ये 15,000 के आसपास दोनों डिवाइस देखने को मिल जाएंगी। आप ACX202 की जगह पर और किसी भी कंपनी के क्रॉसओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने साउंड सिस्टम में चलाने के लिए क्योंकि कभी कभी हमें 3-way की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा आहूजा जो है अभी 3-way क्रॉसओवर नहीं बना रहा। अगर मैं आहूजा से रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर कोई आहूजा का सदस्य जो है मेरा वीडियो देख रहा हो तो जो है उसे 3-way क्रॉसओवर बनाने के लिए कंपनी से प्रोत्साहन दें क्योंकि मार्केट में 3-way क्रॉसओवर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ रही है और आहूजा इस पर अभी काम नहीं कर रहा है। दोस्तों यहाँ तक हमने बात की अपने साउंड सिस्टम की, अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे साउंड सिस्टम को बेहतर सी लाइटिंग के लिए जो पारलाइट की। पारलाइट आपको बहुत सारी मार्केट में देखने को मिल जाएंगी लेकिन कुछ चुनिंदा कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पारलाइट बनाती हैं जिनको आप लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे फिर भी वो ख़राब नहीं होगी। इनमें से हमारे जो मेड इन इंडिया कंपनी है वो हमारा एक स्टैन आता है, आप स्टैन के पारलाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप मार्केट में लगभग 2500 के आसपास खरीद पाएंगे। तो अगर हम 2500 के हिसाब से 8 पीस पारलाइट का जो है कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग अपने 20,000 के आसपास जो है देखने को मिलता है 8 पीस पारलाइट का प्राइस। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी शार्पी लाइट की। शार्पी लाइट भी अपने मार्केट में बहुत सारी आपको देखने को मिल जाती हैं, ऐसे में हमारे भाइयों को समझ में नहीं आता कि हम किस कंपनी का जो है अपना शार्पी लाइट लें, 7R लें या फिर 10R लें या फिर अपना जो है 12R लें, कौन सा, कुछ समझ में नहीं आता। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपने डीजे सिस्टम पर पार लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय आपको जो है अपने साउंड सिस्टम पर जो है 7R शार्पी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि पार लाइट खुद इतना तेज होती है कि अपना जो है शार्पी के फोकस को वो थोड़ा से डाउन कर देती है, उसकी शार्पनेस वहाँ पर समझ में नहीं आती है। तो आपको पार लाइट के साथ जो है
हमारा 10 RSRP आता है उसका इस्तेमाल करना है। बात करें कंपनी की कि कौन सी कंपनी के सैटेलाइट बेस्ट होगा, तो आपको जो है हमारा जो मेड इन इंडिया कंपनी है स्टैन, आपको स्टैन का जो सैटेलाइट है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आप उसका 10R वर्जन अपना यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको लाइट देखने को मिलेगा और काफ़ी उसमें फंक्शन देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अपने जो है स्टैन लाइट के प्राइस की, तो लगभग आपको मार्केट में वो 30,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अलग अलग स्थानों पर जो है इसका रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, कहीं पर आपको ये 30 से 35 के बीच में भी जा सकती है, तो जो है थोड़ा बड़ा रेट में अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन लगभग इस 30,000 से मिलता जुलता ही रेट आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अपने इस पूरे साउंड सिस्टम को स्टेबलाइज पावर देने के लिए स्टेबलाइजर की, तो आपको यहाँ पर 15-15 KVA के दो स्टेबलाइजर यूज करना है। एक स्टेबलाइजर पर आपको जो है अपने साउंड सिस्टम का लोड देना है और अपने दूसरे स्टेबलाइजर पर जो है अपनी पावर लाइट, सार्पी लाइट, फॉग मशीन, ऐसे करके जितने भी आपके अदर इक्विपमेंट हैं उनका यहाँ पर यूज करना है। बात करें एक स्टेबलाइजर की अपने प्राइस की, यानी हमारा जो 15 KVA का एक स्टेबलाइजर है वो पड़ेगा कितने का, तो आपको लगभग मार्केट में ये 20,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। कुछ बहुत अंतर आपको रेट में देखने को मिल सकता है कंपनी के हिसाब से। आइए अब हम बात करते हैं अपने सारे साउंड सिस्टम को चलाने के लिए, उसे अच्छा पावर देने के लिए एक जनरेटर सेट की। तो दोस्तों इतना पावरफुल साउंड सिस्टम को चलाने के लिए लगभग आपको 18 से 20 KVA के आसपास का जो है जनसेट आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों जनरेटर सेट आपको आसपास अपने जो है जो भी जनरेटर के डीलर हैं उनसे आपको पता कर लेना है कि किस कंपनी का जनरेटर सेट अच्छा होता है। अगर आप जो है जनरेटर सेट के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं जनरेटर सेट के ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा। अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग ये आपका 18 से 20 KVA का जो जनरेटर सेट है वो आपको लगभग 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, ऐसे करके अलग अलग कंपनी के हिसाब से ये आपको देखने को मिल जाएगा। जितनी अच्छी कंपनी आप लेंगे थोड़ा उतना ही आपको महंगा पड़ेगा। तो जो है कुछ इस प्रकार से इनका मैंने एक एक करके आपको रेट बताया। अब हम बात करते हैं इस पूरे साउंड सिस्टम का, जितने भी इसमें इक्विपमेंट यूज किए गए हैं इनको सारा मिलाकर के कुल प्राइस कितना होने वाला है, यानी इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कितने का पूरा साउंड सिस्टम पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारे इस फुल डीजे सेटअप का प्राइस कितना होने वाला है, जिसमें हमारे सारे साउंड इक्विपमेंट, हमारी सारी लाइट्स और हमारे जनरेटर और स्टेबलाइजर वगैरह सारे कुछ को मिला करके कुल कितना प्राइस यहाँ पर बनने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अपने बेस की। यहाँ पर हमने दो बेस लिए थे, एक बेस का प्राइस हमारा 55,000 रुपये था, तो उस हिसाब से दो बेस का हमारा 1,10,000 रुपये रखा गया। और इन बेस को चलाने के लिए जो एम्पलीफायर था वो हमारा एलेक्से 7600 था, तो उसको हमने यहाँ पर 65,000 रुपये लिया। और चार टॉप यहाँ पर लिए गए थे, एक टॉप का प्राइस हमारा बन रहा था 40,000 रुपये, तो इस हिसाब से चार टॉप का प्राइस हमारा 1,60,000 रुपये हुआ। और इन टॉप को चलाने के लिए यहाँ पर दो एम्पलीफायर लिए गए थे जो कि हमारे 3502 DXA सीरीज से थे। एक एम्पलीफायर का प्राइस जो हमारा था वो 45,000 रुपये था, तो इस हिसाब से दो एम्पलीफायर हमारे 90,000 रुपये के हुए। और हमने यहाँ पर डीजे के हिसाब से जो डीजे सीरीज का अपना ADJ 300 मिक्सर था उसका यहाँ पर हमने 10,000 रुपये ऐड किया है। और अपने इन सारे सिस्टम को जो है अच्छा सिग्नल देने के लिए जो क्रॉसओवर और अपने स्प्लिटर दिए गए थे उनका दोनों का मिलाकर हम 15,000 रुपये ऐड करते हैं। तो इन सारे जो हमारे आहूजा इक्विपमेंट थे उन सबको मिलाकर यहाँ पर हमारा 4,50,000 रुपये कंप्लीट होता है अपने केवल साउंड सिस्टम का। अगर इस पर हम अपने लाइट को ऐड करते हैं और अपने जनरेटरों को ऐड करते हैं तो कितना होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम सार्पी की बात करें तो हमने यहाँ पर 8 पीस सार्पी लिया था। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि एक सार्पी आपकी लगभग 30,000 के आसपास देखने को मिलती है, इस हिसाब से हमने 8 पर यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर 2,40,000 रुपये हमारे सार्पी लाइट का निकल के आता है। और पार लाइट हमारी 1,2500 रुपये की थी और 8 पार लाइट भी यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था, तो 20,000 रुपये हमारा जो है अपनी पार लाइट का हुआ। तो कुल कुदरत मिलाकर हमारी लाइट्स का 2,60,000 रुपये हमारी लाइट हो जाती हैं। और जो हमारे यहाँ पर जनरेटर सेटअप थे वो हमारा जनरेटर 18 KVA का था जिसका हमने यहाँ पर 1,25,000 रुपये ऐड किया है। और यहाँ पर हमने जो 15 KVA के हमारे स्टेबलाइजर थे हमने वहाँ पर दो सेट लिए थे, एक स्टेबलाइजर हमारा 20,000 रुपये का था, इस हिसाब से दो स्टेबलाइजर हमारे 40,000 रुपये के कंप्लीट होते हैं। तो कुल कुदरक अपनी लाइट्स और अपने जनरेटर सेट, स्टेबलाइजर और हमारा साउंड सिस्टम को सबको मिलाकर यहाँ पर हमारा कैलकुलेट किया गया तो आपका 8,75,000 रुपये कंप्लीट हुआ। अगर आप दोस्तों केवल अपना साउंड सिस्टम लेना चाहते हैं आहूजा का तो आपको लगभग 4.5 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस पर लाइट वगैरह ऐड करते हैं तो आपका इसमें 2,60,000 रुपये और ऐड हो जाएगा।
और इसमें जनरेटर वगैरह ऐड किया तो आपका 1,65,000 रुपये और ऐड हुआ, तो कुल कुदरत मिला के आपका 8,75,000 में आपका जितना भी मैंने आपको बताया सारा कुछ मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। आप जहाँ भी इसका इस्तेमाल करेंगे आपको लगेगा कि आपका एक बेहतरीन साउंड सिस्टम बन रहा है, क्योंकि हमारे देश भारत की कंपनी है, इस पर जो है कोई समझौता नहीं, क्वालिटी पर काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। तो दोस्तों अगर आप अपने देश भारत से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अपने देश भारत के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल।